मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आ रहा है। साय ने कहा कि आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश मुद्दे पर भी अपनी चिंता जताई। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं मुख्यमंत्री के नाते समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लाखों देश के सपूत शहीद हुए हैं। लाखों कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हम लोगों को मिली है। मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि इस आज़ादी को हम लोगों को सहेज के रखना है और विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं उसमें हम लोगों को भी सहयोगी बनना है। सर, बांग्लादेश बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार वहाँ सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और उनके माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग उन तक पहुंचा रहे हैं और नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं, लोग वहां पर भयमुक्त हो रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि हम लोग अधिकांश जगहों में इस बार तिरंगा फहरा पाए।